सन 2065 में युद्ध ने दुनिया का विनाश कर दिया था। अपनी परेशानी में हमने सितारों में अपने नए घर की तलाश शुरू की, और जब हमें लगा कि हमें घर मिल गया है, हमें पता चला कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा मिशन बहुत अहमियत रखता है, हमें कामयाब होना ही होगा, हम आखिरी हैं। और आप सवाल करते हैं कि क्यों? जिंदगी और जिंदा रहना हर एक जीवित प्राणी के जीनोम में बना है, किसी भी कीमत पर सहन करना और विकसित होना। करोड़ों सालों से ये पृथ्वी कई किस्म के खूबसूरत और हैरतअंगेज प्राणियों का घर है, वो सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। बेशक उनमें इंसान भी शामिल है, जिसे अपना भविष्य खुद बनाने वाला कहा जाता है। सबसे शक्तिशाली जाति जो लाखों सालों के विकास के बाद अपनी हर जरूरत के अनुसार वातावरण को बदलती रही है। वो सिर्फ 7 साल पहले की बात है, सन 2065 में, क्योंकि दुर्भाग्य से ये वही साल था जब हमारी खूबसूरत दुनिया एक परमाणु युद्ध में बर्बाद कर दी गई थी, जो सिर्फ 67 मिनट तक चला था। इतनी तेजी से बम बरसाए गए कि किसी को भी न तो विदा लेने का समय मिला और न ही कोई किसी से बात कर पाया। युद्ध के शुरू होने का किसी को पता ही नहीं चला, और पलक झपकते ही दुनिया खत्म हो गई। कुछ बचे खुचे इंसान स्काउट शिप्स में बैठकर बर्बाद हो चुकी दुनिया से दूर आकाशगंगा के दूसरे कोनों की ओर भागे, एक और ग्रह की तलाश में। मैं भी उन्हीं में से एक स्काउट शिप में हूँ, और सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम आखिरी हो सकते हैं। जब हमें पेगासस से सिग्नल मिलने शुरू हुए, हमने अपना रास्ता बदल लिया और उस ओर जाने लगे जो हमारा नया घर बनने वाला था। पेगासस के बलिदान का मतलब था कि मानव जाति एक नई शुरुआत